आप देख रहे हैं अपना समाचार देखिए तुमसे अच्छा कौन है कि जब शुरुआत हो रही थी तभी हम लोगों ने निर्णय किया था कि गोरखपुर के अच्छे से अच्छे लोकेशन को एक्सप्लोर किया जाए और हमारी कोशिश सिर्फ आज ही नहीं पिछले पंद्रह दिनों से ये हो रही थी कि कहानी के मुताबिक जो भी सूटेबल लोकेशन हमें मिलते हैं उस पर इसकी शूटिंग की जाए और आज हम लोगों ने पंद्रह दिन में फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग ख़त्म कर दी अब गाने कुछ बचे हुए हैं जो आज हो रहा है और ऐसे और भी कई अच्छे लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे देखिए फिल्म की सबसे जो पहली आधारशिला रखते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर रखते हैं जो हमारे एस के जी हैं इन्होंने इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक अच्छे टीम का चयन किया है और जिसकी वजह से ये आज सफल हो पाए और कम समय में इतनी अच्छी फिल्म बना पाए तो आप सिन्हा जी से भी कुछ सवाल कर सकते हैं देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे फिल्म के जितने भी मेंबर्स एसोसिएट्स हमारे मिले वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ मिले हैं जैसे सबसे पहले हमारे राकेश जी हैं राकेश सिन्हा साहब हैं उसके बाद जो हमारे डी साहब हैं आर आज प्रिंस जी उन्होंने और राकेश जी ने मिलकर मिलकर काफ़ी मेहनत किया जो हमारे ई हैं अखिलेश राय जी उनका तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है तो मैं मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा टीम मेरे को साथ दिया है इस ये फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल प्रतीक का जो लुक है वो बहुत ही जबरदस्त है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो एक अलग हटकर एक स्टार होगा भोजपुरी के मैं बिल्कुल एक हज़ार परसेंट संतुष्ट हूँ अपने राकेश जी से अपने डीओपी साहब आर आय प्रिंस से और अपने अखिलेश जी से जिन्होंने बिल्कुल फिल्म की न्यू रखने के लिए मुझे जैसे जैसे सजेस्ट किया है वैसे वैसे मैंने काम किया और शायद मैं आज बिल्कुल हैप्पी एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी हूँ देखिए इस फिल्म की जो बेसिक बुनियाद है वो ये है कि हमें जात पात से उठकर सोचना चाहिए और ये जो झूठा झूठी मान प्रतिष्ठा के ऊपर हम किसी की जान ले लेते हैं तो जिसको कि आप ऑनर किलिंग भी कहते हैं इन सब चीज़ों को बेस में रखकर ये फिल्म बनाई गई है कि जात पात से उठकर हमें सोचना है यह वक्त आ गया है कि हम झूठे मान प्रतिष्ठा के में पढ़कर अपनी सोच के दायरे को सीमित ना रखें अपने सीमित अपने, अपने सोच को जो है वृहत पैमाने पर ले जाएं और प्यार मोहब्बत जो फिल्म की बेसिक बुनियाद होती है उसको बड़े अच्छे ढंग से इसी दायरे में हमने बुना है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन बन पाई अभी तो हम सब इतना ही कह पाएंगे नहीं ये एक्चुअली मूलतः भोजपुरी फिल्म ही है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म का टाइटल है तुमसे अच्छा कौन है तुमसे अच्छा कौन है ये अपने आप में एक हिंदी शब्द है और आजकल डिजिटल मार्केट आ जाने की वजह से हम लोगों को एक ऐसा नाम रखना पड़ता है कि हिंदी ऑडियंस भी भोजपुरी देखें क्योंकि मूलतः जितने भी हिंदी भाषी हैं वो भोजपुरी समझते ज़रूर हैं तो अगर हम हिंदी नाम रखते हैं तो डिजिटल मार्केट में ये होता है कि आ, कुछ एक्स्ट्रा व्यूज़ और अच्छे लोग जुड़ते हैं तो इससे डिजिटल मार्केट को फ़ायदा होता है तो डिजिटल मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट आज की भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बन गई है तो इसलिए हमें डिजिटल मार्केट को ध्यान में रखकर फिल्म बनानी पड़ती उसको झुठलाया नहीं जा सकता है कहीं? जी हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनेंगी तो भोजपुरी फिल्म लोग जरूर देखेंगे भोजपुरी में अब दौर ये आ चुका है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमारी भी कोशिश है कि ये साफ़ सुथरी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बने और लोग देखेंगे बाहर के लोग आकर भी भोजपुरी में आएंगे जो भोजपुरी को नहीं देखते हैं वो भी देखेंगे क्योंकि भाषा देसी पंखी जो का जो लगाव होता है वह हर आदमी के दिल से जुड़ा होता है आज भी हम शहर में भले रह रहे हैं लेकिन अपने गाँव के बारे में ज़रूर सोचते हैं गाँव जब शब्द आता है तो हमारे जहन में एक अच्छा सा दृश्य सामने आता है तो जब हमारी गाँव हमारी भाषा हमें खींचती है तो हमारी फिल्म हमें क्यों नहीं खींचेगी फिल्म अच्छी बननी चाहिए और हमने कोशिश की है अच्छी फिल्म बने दर्शकों से सिर्फ मैं ये कह कि आज फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द ये पर्दे पर आएगी आप लोग जो है एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने के लिए थिएटर तक जरूर पहुँचे क्योंकि बिना आपके सहयोग की फिल्में आगे अच्छी नहीं बन पाएंगी बस आ, फिल्म जल्दी से पर्दे पर आ जाए इसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि अभी तो जुग जुग जिया ललनवा बहुत जल्द पर्दे पर आने वाली है ये हमारी दूसरी फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है और आने वाले समय में इस साल में और भी छह फिल्में आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ और सारी फिल्में अच्छी पारिवारिक और एक अच्छे मैसेज देने वाली होंगी इस बात की गारंटी अच्छी बात है अगर लोग मेरे बारे में दो ही फिल्म ये कहने लग गए हैं कि मैं भोजपुरी से भटके ऑडियंस को भोजपुरी में खींच कर लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है मेरी जहाँ तक मैंने आपको पहले भी कहा है गांव शब्द और अपनी भाषा से लगाव हर किसी को होता है अपनी माँ से और अपनी मातृभाषा से कोई दूर नहीं रह सकता है इसलिए अगर कुछ अच्छी चीज़ें दी जाएंगी उनको तो वो ज़रूर देखेंगे और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें देशी स्टाइल में परोसी जाएँ हमारे साथ आरि खान जी हैं और इन्होंने भी इस फिल्म में तुमसे अच्छा कौन है में एक दमदार अभिनय किया है इंस्पेक्टर का और आने वाले फिल्मों में भी ये एक दमदार रोल में आएंगे हमारे साथ जुड़े हैं हमारी टीम के ये भी एक मुख्य सदस्य हैं और आने वाली फिल्मों में ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अलग अलग किरदार में ये आपको नज़र आ ही एक सबसे बड़ी शब्द है और एक साफ़ सुथरा और भोजपुरी माध्यम से बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है गाना से लेकर हर चीज़ अच्छा मिला है और हमारे राकेश जी ने इस फिल्म में काम करने का मौका दिया जिसमें इंस्पेक्टर का रोल है और आगे जैसे इनका अभिनय होगा वैसे काम किया जाएगा वो भी एकदम ठीक है अपना प्रोड्यूसर भी सर पूरे यहाँ तो गोरखपुर में हुआ है लोकेशन भी अच्छे-अच्छे हुआ है और गाने भी एकदम मस्त है उसमें कोई दिक्कत एक तो राजा राजकुमार में है और दूसरी एक शौक है हम तो कपड़े लाइन से गांधीनगर से दिल्ली से जुड़े हुए हैं और एक शौक है करने का